पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर रह चुके रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमान संभालते ही एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। रमीज राजा ने कहा है कि वर्ल्ड कप T20 के लिए मैथ्यू हेडन पाकिस्तान के मुख्य कोच होंगे। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर रह चुके हैं और साथ ही साथ रमीज राजा ने यह भी अनाउंस किया है कि वर्नन फिलांडर जो कि एक वक्त पे नंबर वन टेस्ट गेंदबाज थे, साउथ अफ्रीका के ये पूर्व क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के लिए बॉलिंग कोच होंगे। और आपको बता दें कि पहले ही दिन अपने कार्यकाल के रमीज राजा ने ये बड़ी अनाउंसमेंट की है और उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को एक नई दिशा देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये जो ऐलान है ये उसी दिशा में दिखाई दे रहा है। बात करें मैथ्यू हेडन और फिलांडर की, अपने आप में दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं, काफ़ी बूस्ट मिल सकता है पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप से ठीक पहले, लेकिन इनकी नियुक्ति हुई तो कम वक्त है उनके पास टीम के साथ बिताने के लिए। लेकिन साथ ही साथ एक और जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो ये है कि दोनों को ही कोचिंग एक्सपीरियंस जो है वो नहीं है। बता दें इससे पहले मिसबा उल हक और वकार यूनिस ने कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था। मिसबा और वकार को सितंबर 2019 में टीम का कोच बनाया गया था और अभी उनका एक साल का कार्यकाल बचा हुआ था। ऐसे में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज्जाक को कोच बनाया गया था। हेडन को लेकर राजा ने कहा, हेडन टीम में कुछ आक्रामकता ला सकते हैं, उनके पास वर्ल्ड कप खेलने का अनुभव है और वो खुद वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी थे। ड्रेसिंग रूम में एक ऑस्ट्रेलियाई का होना हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए हाल ही में अपनी 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान भी किया था। टीम में शोएब मलिक और मोहम्मद आमिर जैसे सीनियर खिलाड़ियों को जगह नहीं दी गई थी। पीसीबी ने 3 खिलाड़ियों को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर भी टीम में शामिल किया है। T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना है। आपको बता दें वर्ल्ड के आक्रामक ओपनर्स में शुमार मैथ्यू हेडन ने 1994 से 2009 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 103 टेस्ट, 161 वनडे और 9 T20s खेले हैं। वर्ल्ड कप विजेता टीम के हिस्सा रह चुके हेडन के नाम टेस्ट में 8,625 जबकि वनडे में 6,133 रन दर्ज हैं। इसके अलावा T20 में उन्होंने कुल 308 रन बनाए हैं। अपने इंटरनेशनल करियर में हेडन ने अपने नाम 40 शतक किए हैं। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका के फिलांडर के पास 64 टेस्ट, 30 वनडे और 7 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने का अनुभव है। फिलांडर ने टेस्ट में 224, वनडे में 41 और T20 में 4 विकेट चटकाए हैं। फिलांडर ने साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। रमीज राजा को सोमवार को सर्वसम्मति से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया था और गद्दी संभालने के पहले ही दिन उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। वो एहसान मनी की जगह अगले 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। ये रमीज का पीसीबी के साथ दूसरा कार्यकाल होगा। वो 2003 से 2004 तक बोर्ड के मुख्य कार्यकारी रह चुके हैं। रमीज का नामांकन प्रधानमंत्री और बोर्ड के मुख्य संरक्षक इमरान खान ने किया था। 1992 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रह चुके रमीज से पहले अब्दुल हफीज कारदार, जावेद बुर्की और एजाज बट पीसीबी के अध्यक्ष पद पर काबिज होने वाले पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। रमीज राजा ने पाकिस्तान के लिए 1984 से 1997 के बीच 205 से अधिक मैच खेलकर 8,674 रन बनाए हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।